हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर से कुछ अच्छी सी रेसिपी। वो है बटर पनीर मसाला। पहले उसके लिए हम लोगों ने सब सारी सब्जी चॉपिंग कर ली है, कुछ खड़े मसाले लिए हैं और इस तरह से प्रोसेस है। और पोस्तो दाना और काजू को हमने भिगा कर रख लिया है। जो प्याज और मिर्च हमने कटिंग किया उसको पहले फ्राई कर लेंगे। प्याज और मिर्च को फ्राई करते करते लाल होने तक फ्राई करेंगे। लाल हो जाने के बाद इसमें ऐड करेंगे सूखा हुआ लहसुन, जो हमारा हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, मार्केट में मिलता है वो लहसुन आता है, तो घर पे ला कर रख सकते हैं। जब भी लहसुन काट ना सके या फिर वो मतलब टेस्ट कच्चे लहसुन से उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, उसको घर पे रख सकते हैं। वैसे अगर कच्चा लहसुन भी होगा तब भी चलेगा। कच्चा लहसुन, अदरक ऐड करेंगे, फिर टमाटर ऐड करेंगे, सब लोग सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे, मतलब पक जाने तक फ्राई करेंगे, कच्चा पन ना रहे तब तक फ्राई करेंगे। और खड़े मसाले में हमने ऐड किया था तेजपत्ता, दालचीनी और इलायची। इन सबको अच्छे से भून के, अभी मेरा भुनना चल ही रहा है, इन सबको मैं जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे बता रही हूँ। थोड़ा सा किचन फैला हुआ है क्योंकि एक साथ सब कुछ करने से, एक रिकॉर्ड करने से थोड़ा सा फैल जाता है। तो मेरा अब भून चुका था सब कुछ। भूनने के बाद इसको थोड़ा ठंड कर लेने के बाद इसको पीसेंगे मिक्सर में। देख सकते हैं पूरी अच्छे से भून चुका है। गैस मैंने बंद कर दिया है। अब इसी कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे क्योंकि उस तरफ दूसरी तरफ पिस चुका है जो भुना हुआ मसाला है। अब इस तरफ गर्म करेंगे ऑयल, इसमें फ्राई करेंगे अनियन। देखिए इसको पीसेस कैसे काटे गए, बड़े बड़े, मतलब इसको बड़े बड़े पीस जो होते हैं ना वो दिखाई देते हैं सब्जी में, इसे इस तरह से काटना चाहिए। और अब इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम, मतलब इनको भी फ्राई करके निकाल लेना है। तो पहले प्याज को डाल दिया गया है, फिर कैप्सिकम ऐड किया जाएगा। और मैंने थोड़ा सा ना जो सारा काम साथ करते करते रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा इधर उधर की चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं। थोड़ा सा अनियन रेड होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम। इसमें भी ऐड कर सकते हैं, अलग से भी फ्राई करके निकाल सकते हैं। पहले अनियन निकाल लिया था, फिर इसके बाद कैप्सिकम फ्राई करके उसमें पनीर के साथ फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए, क्योंकि इसी कढ़ाई में सब कुछ मैंने किया है तो कढ़ाई का भी थोड़ा गर्म वैसा हो जाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ इसी के लिए है तो कभी दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो दूसरी कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं, उसी में सब कुछ कर डाला। तो इस तरह से पनीर और कैप्सिकम को भून के निकाल लेंगे, मतलब फ्राई करना होता है लेकिन ज्यादा ऑयल यूज नहीं करते। तो इसकी दुकान हो चुकी है, इसको भी निकाल लिया जाए। और तीसरे बार फिर ऑयल गर्म करेंगे और जो हमने पीसा था मसाला उसका अब यूज आएगा। तो ऑयल गर्म हो रहा है तो जैसे जैसे गर्म होता है वैसे वैसे दिखाती है। और एक हाथ से मोबाइल रिकॉर्ड कर करके सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया है। यहाँ पे जो मैंने मसाला पीसा है, टमाटर जो खड़े मसाले, टमाटर प्याज थे, लहसुन अदरक जो थोड़े थे वो भी अब आ रहे हैं मसालों के साथ, मतलब सबको मिला के मैंने पीस लिया अच्छे से। टमाटर प्याज और खड़े मसाले जो भी भूजा था हमने पहले पहले में फर्स्ट टाइम में, वही सारे मसाले हमने, देख सकते हो कितने अच्छे हो गए हैं। हल्दी तो ऐड करना है, ये तो कंपलसरी, ये तो पता ही है। जिनको जो लाल मिर्च खाते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। हम वैसे वो लाल मिर्च कम यूज़ करते हैं क्योंकि वो अच्छे भी नहीं होते हैं और ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए लाल मिर्च। तो इसमें मसाला भुनने के बाद हमने ऐड कर दिया था पनीर, प्याज और कैप्सिकम, जो भी भुना हुआ था। पहले मसाला अच्छे से भून लेना है कढ़ाई छोड़ने तक, क्योंकि मैंने इसका भी रिकॉर्डिंग किया था तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मसाला जब एकदम कढ़ाई से छूटने लगे, फिर वो सारे सब्जियों को डालकर थोड़ा भून कर फिर पानी ऐड करते हैं। देखिए इसका टेक्स्चर कैसा भून, क्रीमी क्रीमी सा है पहले से। फिर हम उसमें ऐड करेंगे बटर
और अगर फ्रेश मलाई है तो फ्रेश मलाई। और ये है तैयार हमारा रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।